नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं। तामिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज सोमवार के दिन डॉक्टर की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पहला केस में एक व्यक्ति अपने पिताजी को गंभीर हालत में तामिया हॉस्पिटल लेकर आया, जहां अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला, जिससे मरीज और उसके परिजन परेशान होते नजर आ रहे हैं। वहीं जब अस्पताल में उपचार नहीं मिला तो मरीज के बेटे ने एम्बुलेंस की कई बार फोन लगाया, लेकिन कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। क्या हो गया इनको? वो पानी में भिग गया तो तबीयत खराब हो गई। कितने बजे के आए थे आप हॉस्पिटल? 1:30 बजे। तो अभी डॉक्टर वगैरह मिले कि नहीं? अभी तक अभी शाम के जैसे 5:30 बज रहे हैं, तो अभी तक डॉक्टर ने इलाज करे कि नहीं? नहीं, दो इंजेक्शन भर लगाए खाली। कौन ने लगाए? डॉक्टर कोई भी नहीं आए? सिंह सर आए थे ना। हाँ, वो पर्ची भर बना के दिए। अच्छा, बाकी और कोई डॉक्टर नहीं मिले? नहीं। और एम्बुलेंस वगैरह मिली कि नहीं आपको? नहीं मिली। नहीं मिली, करते दोपहर की गाड़ी की है। प्राइवेट गाड़ी करके जा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? और ये जो पेशेंट है उनका? लक्ष्मण जाबे। कहाँ रहते हैं जी? क्या हो गया है बच्ची को? वो पलंग से गिर गई थी। कितने बजे की बात है? 3:30। तो आप हॉस्पिटल कितने बजे लेके आए थे? 4 बजे आ गए। तो अभी जब से इलाज नहीं हुआ बच्ची का? अभी पर्ची मिली। हॉस्पिटल में डॉक्टर वगैरह कोई मिले? नहीं, कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा रवि जोशी। और बच्ची का? हिमांशी लांजी का।